हेलो एवरीवन, आज हम नाश्ते में बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने वाले हैं। उसके लिए हमने दाल लिया है। आज हम बिना बेसन और बिना तेल की पकौड़ी बनाएंगे। उसके लिए हमने मलका दाल लिया, यानी मसूर का दाल है। ये बहुत ही हल्का है, बहुत जल्दी फूल जाता है। इसको हम पहले 2 घंटे पहले भिगो लेंगे बढ़िया से। चलिए इसको भिगो कर रख देते हैं 2 घंटे के लिए। फाली दाल फूल गए हैं, अब इसको हम 2-3 पानी से साफ कर लेंगे, भी बहुत जल्दी फूल जाता है। चलिए इसको 2-3 पानी साफ़ कर लेते हैं। फाली दाल को हमने अच्छे से 2-3 पानी धुल लिया और साफ़ भी हो गया है। अब हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। अब दाल को इसी में रख कर इसको ग्राइंड कर लेंगे। दाल के साथ साथ हम हरी मिर्च, लहसुन, साथ ही एक टुकड़ा अदरक का भी दाल साथ ग्राइंड कर लेंगे। फाइनली दाल हमने ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए बारीक हो गया है। देखते ही देखते हमने सारा दाल ग्राइंड कर लिया, ये देखिए। साथ ही धनिया, लहसुन, मिर्च की चटनी बनाएंगे। साथ ही 2 बिया हम इमली का रख देंगे। आप इमली की जगह खटाई भी ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चटनी तैयार होगी खट्टी धनिया के साथ। चलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने से पहले हम इसमें रखेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा पानी, जिससे जल्दी से बारीक हो जाए। इसके लिए पानी रखेंगे थोड़ा सा। फाइनली चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए बारीक। धनिया के साथ खट्टी खट्टी चटनी खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो ये देखिए। अब इसको रख देते हैं साइड। अब दाल को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी बारी ग्राइंड जार में हमने लहसुन, मिर्चा और अदरक का पेस्ट ऐड किया ना, तो सब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अभी हम सब में नमक नहीं मिलाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके जितना जितना यूज करेंगे उतने उतने में नमक ऐड करेंगे। इकट्ठा सब में नमक नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो सारा पानी पानी हो जाएगा, बनने में थोड़ा परेशानी होगी। अब सारा दाल हम साइड कर देंगे। इतना ही दाल में हम नमक मिलाएंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी में हल्दी का हम घोल तैयार कर लेंगे, क्योंकि इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। ये देखिए घोल हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसको भी साइड तक कर देते हैं। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। कढ़ाई में तेल ऐड करके चारों तरफ हम तेल ग्रीस कर लेंगे बढ़िया से। तेल ग्रीस कर लेते हैं चारों तरफ। वैसे इसमें तेल बहुत ही कम लगते हैं, अब इसको हम तेल निकाल लेंगे। या आप पहले से थोड़ा सा यूज कर ले सकते हैं तेल, अब इसमें तेल ज़्यादा हो गया तो हम इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे, जिससे कढ़ाई गर्म होए, ज़्यादा ना हीट हो, बस आराम से थोड़ा हल्का हीट हो जाए। अब अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर लेंगे। उतने में ही नमक डालेंगे जितना हम एक बार में बना लें। तो एक चम्मच तेल में 50 पकौड़ियाँ बनाने वाले हैं, तो ये देखिए। अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। खाली नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब उठाएंगे हम। आप इसे स्पून के सहारे भी थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं, वैसे हम हाथ से बनाएंगे इसे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अभी इसे हाथों के सहारे ऐसे निकालते हुए हथेली से ऐसे हम रख देंगे। आप चाहे तो कढ़ाई हल्का गर्म हो जाए तो गैस के नीचे बंद भी कर सकते हैं, नहीं तो लो कर देना। बस अच्छे से सारी पकौड़ियाँ सबसे पहले बिछा लेंगे इसमें। तभी आप देख रहे हैं हम एक चम्मच तेल में कैसे पकौड़ियाँ बना रहे हैं, बहुत ही टेस्ट है बनेगा। तो ये देखिए सारे हम बिछाएंगे। फाइनली हमने पकौड़ी सारी बिछा लिए हैं, अब हम इसे 7 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। फाइनली 3 मिनट हो गया। 3 मिनट के बाद हम इसमें आधा छोटे गिलास से जो हमने हल्दी का घोल तैयार किया था उसको हम ऐड कर देंगे साइड साइड, ऐसे चारों तरफ से ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर दिया, 3 मिनट इसको हम और पकाएंगे, 3 से 4 मिनट, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। फाइनली 7 मिनट हो गया है, अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं खोल कर। चलिए एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हुआ है, दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप देख रहे हैं। अब हम इसे करछिल के सहारे चलाएंगे, यानी पलट देंगे इसको। चलिए बीच से ही शुरू करते हैं। ये देखिए अच्छे से निकल जा रहा है, एक एक करके ऐसे ही निकल जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल गया है एक एक करके।
अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं क्योंकि पक गए हैं अच्छे से। दूसरा बैच तैयार करने के लिए हम इसमें फिर से तेल ऐड करेंगे चारों तरफ से। चारों तरफ तेल ग्रीस कर लेते हैं बढ़िया से, जैसे हमने पहले तेल ग्रीस किया था ना वैसे फिर हम ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। अपने टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करके फिर से हम पकौड़े की जैसे इसको बिछा लेंगे। दूसरा बैच हम चम्मच से बनाएंगे, ये देखिए चम्मच से इसे रख सकते हैं छोटा छोटा आप इसे, आप चाहें तो हाथ से बनाएं या फिर स्पून से भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से रेडी होगा, वो भी कम तेल में जल्दी से बन जाता है टेस्ट का। तो दूसरा बैच भी हमने बिछा लिया, अब इसको हम ढककर रख देंगे। ये लीजिए दादी नानी की जमाने की पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, और इसके साथ साथ हरी चटनी का तो मज़ा ही आ जाएगा दोनों साथ में खाने में। तो चलिए किसको किसको पसंद है, जिसके जिसके घर में नानी दादी हों वो ज़रूर बनाएं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आज के वीडियो चलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी। तो ये देखिए एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक भी कर देना। बहुत ही प्यारी यूनिक पकौड़ी हमारी रेडी हुई है, कलर से पता चला है बहुत ही प्यारा बना है ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पकौड़ी सब किसको किसको पसंद है। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे।